ऐसे मुश्किल हालात में जबकि आपके पैसे भी पूरे नहीं हो रहे, आपके पास कुछ बच नहीं रहा, मैं आपको पैसा बनाने की, पैसा बचाने की कोई सात टिप दे देता हूं ताकि आपके हालात कुछ बेहतर हो जाएं। किसी दुकान के ऊपर जाएं, कभी भी एक डील के ऊपर सेटल मत हों, कम से कम तीन जगह से रेट अपना लें। इवन जब आप प्रॉपर्टी भी बाय करते हो, कोई भी चीज बाय करते हो, वो आपको टैक्स ही दे रहा है कि यार ये गवर्नमेंट का टैक्स है, तब भी उस पर यकीन ना करो। दो से तीन जगह से पहले वेरीफाई करो, उसके बाद शॉपिंग करो। आपके बहुत ज्यादा पैसे बच जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, आपके जो एक्सपेंस है उनको ट्रैक करो, क्योंकि जिस चीज को आप ट्रैक करते हो ना, उसकी विजिबिलिटी बन जाती है। मंथ के स्टार्ट में एक बजट बना लो, एक कॉपी पे बना लो कि मैक्सिमम मोटा माटी मेरा क्या खर्चा आ रहा है, और देखो कि कहां पे आपकी हैबिट जो है वो चेंज की जा सकती है। अक्सर हमें पता ही नहीं होता, लेकिन बाहर जाके हम खर्चा कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे होते हैं, अनइंटेंशनली हम अपना जो एक्सपेंस है वो बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन लिखने से, चीज का सामने आने से, विजिबिलिटी बनाने से हमारे बहुत सारे खर्चे बच जाते हैं। तीसरा, अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप स्पेंडिंग कर रहे हो, बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड पे स्पेंडिंग करते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे आप जब स्पेंडिंग करते हो ना, आपको पॉइंट्स मिलते हैं, वो पॉइंट्स आप यूज कर लेते हो ट्रेवल करने के लिए, कुछ बाय करने के लिए। लेकिन कभी भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को लेट मत करें, क्योंकि आपको इतना एक्सपेंस पड़ता है, इतनी इंटरेस्ट डालते हैं, कि आप पागल हो जाते हो। तो कभी भी अपनी क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है उसको कभी भी लेट मत करो। चौथा, जितना आप कमाते हो उसका 60% आप खर्च कर सकते हो, 60% से ज्यादा खर्च नहीं करना। जो 40% है वो आपने इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करके। आप समझो कि आपकी इनकम है ही 60%, यानी 1 लाख कमाते हो तो 60,000 इनकम है, 50,000 कमाते हो तो समझो 30,000 इनकम है। तो आपने समझना ये है कि जो आप कमाते हो उसकी इनकम ही आपकी 60% है, और बाकी 40% को इन्वेस्ट करना है आपने। पांचवा, जेब में पैसा कम रहे तो अच्छा है। कैसे? आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है उसको कहीं लॉन्ग टर्म एसेट में लगा दो, और जब आप ब्रोक रहते हो ना, बिल्कुल पैसा नहीं होता, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है ज्यादा पैसा कमाने की। आप कहते हो ना कि आप मोटिवेटेड नहीं होते, तो जितना आप ब्रोक होते हो, जितनी जरूरत होती है, तो जरूरत से ज्यादा मोटिवेशन कोई भी नहीं हो सकती। तो जब आपके जेब में पैसा नहीं होगा, सारा आपने इन्वेस्ट किया होगा, थोड़ा सा प्रेशर आएगा, तो खुद ब खुद जाके आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। छठा, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उस लोन को दो तरीके हैं पे करने के। एक ये है कि जो वो लोन जिसकी इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले पे करो, ये तो सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन एक और भी तरीका है लोन को खत्म करने का, ये उन लोगों के लिए जिनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है, यानी उन्हें हिसाब नहीं रहता, याद नहीं रहता, उनके लिए ये है कि सबसे छोटा जो क्रेडिट है, कर्जा है, उसको फटाफट पे करो, छोटे को पे पर कर करके खत्म करो, टक 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 करके खत्म करो, या उस कर्जे को एक जगह पे कंसोलिडेट कर लो, उससे भी आप बहुत जल्दी अपना कर्जा पे कर पाते हो। सातवां, जब भी इन्वेस्ट करो ये जहन में रख के करो कि आप अगले 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको डाउट हो रहा है कि इसको मैं 5 साल नहीं रख सकता, उस जगह के ऊपर इन्वेस्ट मत करो, मत करो, मत करो, क्योंकि उसके अंदर आपके पैसे डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और एक बोनस टिप देता हूं, अपने जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ मिलके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करो। दोनों जब मिलके चलेंगे तो आपका घर, आपका खर्चा, आपका एक्सपेंस, आपका सारा कुछ बहुत अच्छा चलेगा। कोई कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।